देख रहे न्यूज नेटवर्क में भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूरे हुए। यात्रा की थी राहुल गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तीन तीन प्रधानमंत्री। जिस घर में, उस घर के बेटे को क्या जरूरत थी उनको बारिश धूप ठंड में चलने की, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इवेंट कराती है, एक देश एक चुनाव की बात करती है तो कभी नाम बदलने की बात करने लगती है। जिन राज्यों में अभी चुनाव हुआ वहां दोबारा कैसे चुनाव हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का निर्णय करती है तो यह देश हित में कतई नहीं हो सकता। देश की व्यवस्था चौपट करने वाला निर्णय होगा। महंगाई भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरीके की बात करती है। कांग्रेस पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत हवा फैलाई थी, वह टिकट घोषित करने जा रही है जिसके झांसे में भारतीय जनता पार्टी आ गई और तत्काल कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की जमकर करकरी हुई। कांग्रेस पार्टी के नेता होशियार हैं। कांग्रेस पार्टी में एक एक सीट पर 10-10 लोग टिकट मांग रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हवा है। टिकट तो हम किसी एक को ही देंगे लेकिन सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए तरह तरह की बात करती है। कभी कोई नाम बदलेगी तो कभी कोई, अब इंडिया नाम बदलने की बात कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक नए नए शगुफे छोड़ती है। देश को दिशाहीन करने की बात करती है। कुछ इस तरीके से कहना था कांग्रेस के कार्य समिति सदस्य कमलेश्वर पटेल का रीवा में अल्प प्रवास के दौरान। देखिए, जिस तरह से हमारे देश में हो या विदेशों में हो, सभी जगह इंडिया शब्द मेंशन है। आप समझ सकते हैं कि कितना सारा व्यय आएगा। इन्होंने कई स्टेशंस, कई जिलों का नाम बदला है और आप देखिए उसकी आज क्या स्थिति है। आज भी वो नहीं कर पा रहे। बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब करेंगे जो इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसे आपका कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, कई ऐसे स्वास्थ्य संस्थान है जहाँ पे इंडिया शब्द मेंशन है, ठीक है ना। तो ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का इवेंट कर रहे हैं और देश को पता नहीं कौन सी दिशा में लेके जाने वाले हैं। नोटबंदी, जीएसटी, एफडीआई से जितना नुकसान हुआ था, कोविड में जितना नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई हो नहीं पा रही है और नए नए सगुफा छोड़कर देश को दिशाविहीन करने वाला काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारे नेताओं ने लगातार जो बातें कही थी कि हम इतने तारीख को सूची जारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उस झांसे में आकर और जिस तरह का उनने निर्णय लिया और पूरे प्रदेश में जिस तरह से उनकी किरकिरी हुई है, खिलाफ में यात्राएं निकली है, कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत सूझबूझ वाले नेता है। जब उचित समय होगा पूरी तैयारी है और हम तो बधाई देते हैं कि कम से कम एक सीट पर 10-10 दावेदार हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हमारी सरकार बनने वाली है। तो मांगने का अधिकार सबको है, पर लड़ेगा एक और सबको मिल के लड़ेंगे। सारे टिकट प्रार्थियों ने ये संकल्प लिया है कि इस बार हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, ना कि आपस में। हमारी सरकार 15 महीने थी, हम लोगों ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया था। अधिकारियों को लेके गाँवों में जाते थे और छोटी जगह पर वहीं कैंप लगता था, वहीं समस्या का निदान हो जाता था। बट इनका सिर्फ भाषण है और हमारा तो एक नारा है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मोदी और शिवराज सिंह सरकार ने ठगा नहीं। हमें गर्व होता है अपने नेता के ऊपर भी, अपने पार्टी के ऊपर ये गर्व होता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था जो चौपट हो रही है, संविधान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, मिले हुए अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा विषय था, महंगाई का विषय था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, इन सब विषयों को लेके सड़क पर आकर जो राहुल गांधी जी ने सभी विषयों को लेके जो इतनी बड़ी यात्रा की है, हम समझते हैं कि ये और कोई नहीं कर सकता, ये कांग्रेस पार्टी के नेता ही कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी को क्या कमी थी? राहुल गांधी जी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पद पर थे, इंदिरा जी के पुत्र थे, राजीव जी के बेटे थे, तीनों देश के प्रधानमंत्री रहे थे।
फिर भी वो सड़क पे उतर के जिस तरह से धूप में, बारिश में, ठंड में, सभी चीज़ों की बेपरवाह करते हुए देश के लिए लड़ाई लड़ी है। और हम समझते हैं कि ऐसे हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा स्वस्थ रहे और इसी तरह की प्रेरणा हम सबको देते रहे। ये अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस तरह के इवेंट कर रहे हैं। आज कैसे पॉसिबल होगा? अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और कैसे संभव होगा कि अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनको डिजॉल्व करके फिर से चुनाव एक साथ कराएंगे? तो ये संभव नहीं है। अभी चर्चा होने दीजिए और अगर इस तरह से कोई भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है तो देश को दिशाहीन करने वाला काम करने वाले हैं, देश की पूरी व्यवस्था चौपट करने वाले हैं। अभी कहीं नाम बदलने की बात करते हैं तो कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इन सब बातों को छुपाने के लिए इस तरह के इवेंट्स किए जा रहे हैं जो हम समझते हैं कि देश हित में नहीं है। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।